लेकिन महिला के चिल्लाने पर बाकी लोग जमा होते गए और बाइक लेकर भाग रहे शख्स को पकड़ लिया। भीड़ बढ़ती गई और उसकी पिटाई शुरू हो गई। महिला ने भी उस शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। बाकी महिलाओं ने भी उसे घेर लिया। ये सब हुआ ईरान में, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। कॉमेडियन ओमिड जलीली ने वीडियो को अपलोड कर ट्वीट करते हुए लिखा, ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वो चाहते हैं कि लोग ये ना देखें कि एक आदमी महिला को सार्वजनिक जगह पर थप्पड़ मारता है और सोचता है आराम से चला जाएगा, मगर बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। वीडियो में जिस शख्स ने थप्पड़ मारा उसे ईरान की मॉरलिटी पुलिस का सदस्य बताया जा रहा है। मॉरलिटी पुलिस को ईरान में गश्ते इरशाद कहा जाता है। 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान के पास नैतिकता को लागू करने के लिए पुलिस के कई रूप हैं, लेकिन गश्ते इरशाद फिलहाल में ईरान के इस्लामी कोड ऑफ कंडक्ट को सार्वजनिक रूप से लागू करने वाली मेन एजेंसी है। वो महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए सख्ती करती है। अगर किसी ने हिजाब को ढीला पहना है या फिर नहीं पहना है, उसे थप्पड़ लगाती है, पकड़ कर ले जाती है। इसी कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने का नतीजा था कि ईरान में 20 सितंबर 2022 को 22 साल की महसा अमीनी को पुलिस ने हिरासत में लिया था, मगर नैतिक पुलिस की हिरासत में उस लड़की की मौत हो गई। ये मौत महिलाओं में चिंगारी की तरह फैली और कोहराम मच गया। घटना के विरोध में न केवल देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, कई महिलाओं ने सरकार और नैतिक पुलिस के विरोध में सड़कों पर अपने हिजाब उतार दिए और सिर के बालों की चोटी काट कर जला दी। ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं ईरान में हिजाब के खिलाफ हैं, बल्कि उनका ये विरोध इसलिए है कि मॉरल पुलिसिंग बंद हो और औरतों को अपनी मर्जी से जीने दिया जाए। जो हिजाब पहनना चाहती हैं वो हिजाब पहने और जो नहीं चाहती उन पर जोर जबरदस्ती ना हो। मॉरल पुलिस के विरोध में जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ईरान के अंदर कुछ तो है जो करवट ले रहा है। हिजाब के लिए हिरासत में लगी चोटों के बाद महसा अमीनी की मौत होना बेहद डरावना सच है। क्या ईरान की महिलाओं को अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए उनके खिलाफ हिंसा करना जायज है? ये कैसी नैतिकता है? ईरान के गश्ते इरशाद की बात की जाए तो उसमें कट्टरपंथी लोगों की भरमार है, तभी तो सख्ती से नियमों को लागू करते हैं। मॉरल पुलिसिंग को लेकर ईरान की शहरी महिलाएं हमेशा मुखालफत में रही हैं। वो इसे एक अभिशाप के रूप में देखती हैं, तभी शहरों में इसके खिलाफ ज्यादा विरोध है। अब सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ ईरान में ही रूढ़िवादिता को नैतिकता का नाम दिया गया है या बाकी जगह भी इस तरह की पुलिसिंग की जा रही है? जवाब हाँ में मिलता है, क्योंकि सऊदी अरब, सूडान और मलेशिया जैसे कई अन्य देशों ने भी इस्लामी नैतिकता का पालन कराने की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ वेस्टर्न लाइफस्टाइल के पैरोकार हमेशा इसका विरोध करते रहते हैं। सऊदी अरब, सबसे पहले बात सऊदी अरब की। सऊदी अरब में पश्चिमी कल्चर की रोकथाम करने के लिए कमेटी बनाई गई है। नाम है मुतावा, यानी अल्लाह के लिए खास तौर से फरमाबदार। 1940 में बनाई गई मुतावा को इस्लामिक धार्मिक कानून यानी शरिया को सार्वजनिक जगह पर लागू करने का काम सौंपा गया है। हद ये है कि मर्द और औरत को सार्वजनिक जगह पर मिलने से रोकने तक की पावर दी गई है। महिलाओं से ड्रेस कोड लागू कराने तक का नियम इसमें शामिल है। महिलाओं को अपनी आंखों को छोड़कर बाकी जिस्म को कवर करने का हुक्म है। इसको लागू कराने के लिए जो मॉरल पुलिस है वो ड्रेस में नहीं होती, बल्कि पारंपरिक सऊदी वस्त्र और कैफिये पहनते हैं। सूडान, 1993 में सूडान के राष्ट्रपति थे उमर अल बशीर। उन्होंने सूडान में मुसलमानों के लिए कानून में स्थापित शरिया को लागू करने के लिए पब्लिक ऑर्डर पुलिस की व्यवस्था की। इसके तहत गिरफ्तारी करने तक की पावर दी गई। इसके तहत हुई गिरफ्तारियों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होती है। सजा के तौर पर कोड लगाना या जेल में डाल देना शामिल है। ये फोर्स सूडान के लोगों की पर्सनल लाइफ में ऐसे है जैसे वो राजा और लोग गुलाम। हर जगह मनमानी।
इस मनमानी का सूडान के लोग विरोध करते हैं, मगर सलाफिस्ट और रूढ़ीवादी समर्थन करते हैं। साल 2008 की बात है, सार्वजनिक रूप से ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने पर महिला पत्रकार लुबना अल हुसैन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर आलोचना हुई तो उन्हें छोड़ दिया गया। मलेशिया, मॉरल पुलिस यहाँ भी है, यहाँ भी शरिया को लागू कराने के लिए संस्था है, लेकिन इसके नियम मुस्लिम आबादी के दो तिहाई पर लागू होता है, उसके पास गिरफ्तारी करने की ताकत है। यहाँ की मॉरल पुलिस रमजान के दौरान ज्यादा एक्टिव होती है, दिन के खाने से लेकर महिलाओं और पुरुषों के सार्वजनिक जगह पर मिलने तक पर पाबंदी लगाती है। मामलों की सुनवाई शरिया अदालतों में सामान्य केस की तरह ही होती है। अब सवाल है कि क्या मॉरल पुलिसिंग सही है या अधिकारों का हनन? जवाब इसका अधिकारों के हनन ही होगा, क्योंकि नैतिकता को जब जबरन लागू करवाया जाने लगे तो वो लोगों के अधिकारों पर ही कैंची चलाएगी। ईरान में लहराते हिजाब, खुले बाल जवाब है कि ये हमारी मर्जी है, हम चाहे खुले बाल रखें या छोटे बाल, चाहे हिजाब पहने या फिर नहीं, ये हमारी मर्जी है और हम सबको उनकी मर्जी का सम्मान करना चाहिए। हमें सम्मान करना होगा अगर अमेरिका में महिलाएं गर्भपात को अपना अधिकार मानती हैं। हमें सम्मान करना होगा अगर कर्नाटक में महिलाएं हिजाब पहनना चाहती हैं। हमें सम्मान करना होगा पाकिस्तान में अगर महिलाएं फुटबॉल खिलाड़ी शॉर्ट्स पहनकर खेलना चाहती हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और हाँ, अगर फिनलैंड की प्रधानमंत्री दोस्तों के साथ घर में पार्टी करती हैं, डांस करती हैं, तो हमें सम्मान करना होगा। मॉरल पुलिसिंग नहीं करनी होगी। महिलाओं के अधिकार पूरी दुनिया में एक समान होने चाहिए, चाहे वो भारत हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो या फिर अमेरिका। मॉरल पुलिसिंग कहीं संगठित तरीके से हो रही है तो कहीं किसी की आड़ में। ईरान की महिलाओं का विरोध प्रदर्शन एक मिसाल है अपने अधिकारों को पाने की जंग में खुलकर मैदान में उतर